चलिए एक और नए बच्चे से मिलते हैं, चिराग से, जो कि दिल्ली से हैं और इनका ऑल इंडिया 120 रैंक है, जिनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है और जामिया में 8 रैंक है। तो दोनों रैंक के लिए बेटा और एनआईटी इलाहाबाद के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। चिराग के बारे में बताना चाहूंगा कि चिराग ने ड्रॉप लिया था और ऑनलाइन प्रिपरेशन की। तो चिराग, जब आपने एक तो ड्रॉप लेने का डिसीजन कई बार हमें कंफ्यूज करता है, उसके लिए आपने कैसे अपना मन बनाया, फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे की और आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था, मैं चाहूंगा कि आप वो जवू बच्चों को बताएं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि ड्रॉप लेना कई बार एक साल खराब करना होता है, वो ये कई बार ऐसे वीडियो देख के उनकी क्लियरिटी आ जाती है और फिर वो अपनी लाइफ में एक्शन ले लेते हैं। लास्ट ईयर का एग्जाम ना थोड़ा ट्रिकी सा था, पेपर तो अच्छे से तैयारी की थी लेकिन वो एक सिली मिस्टेक्स की वजह से जहाँ रैंक 300-400 आनी थी वो 1027 चली गई। सर पेपर के एनालिसिस के बाद पता तो चल रहा था सिली मिस्टेक्स ही हैं और ड्रॉप लिया जा सकता है, आता बहुत कुछ है, बस बहुत अच्छे से रिफाइन करने की जरूरत है। अच्छा लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी तो इतना बेनिफिट नहीं हुआ था, ऑनलाइन के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन बस लास्ट के टाइम में जब इंडिटिस के चैनल वगैरह देखे तो लगा था कि हाँ इससे बहुत बेनिफिट मिला है, बस ये कि और मिल सकता था अगर और अच्छे से तैयारी की होती तो। गलती अपनी थी लेकिन यही एक पता था कि अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो मिल जाएगा लास्ट नेक्स्ट ईयर एनआईटी। ड्रॉप कर लिया सर, और फैमिली से इतना कोई इशू नहीं था, वो थे कि हाँ अगर तुम अच्छे से तैयारी कर रहे हो उन्हें पता था मेहनत तो कर ही रहे हैं, ठीक है ले सकते हो मिल जाएगा। और फिर जैसे रिजल्ट आया उसमें सर SCG ज्वाइन की थी ऑनलाइन, रोज पे टेस्ट वगैरह होते थे, उसमें वीडियोज बहुत सारी थी, सारा स्टडी मटीरियल था, अपना टाइम मैनेजमेंट करना था मेन, प्रॉपर टाइम देके टॉपिक को अच्छे से करो, इसमें नहीं रहना कि सब आता है, अगर आता होता तो लास्ट ईयर ही हो जाता। शुरू से सब बिगिन करा, ढंग से DPT की टेस्ट दिए, एनालिसिस करे, एनालिसिस बहुत जरूरी थे, अभी भी सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, उसकी वजह से रैंक 70-80 की वजह से 120 चली गई, उसका बहुत रिग्रेट सा रहता है कि हाँ अगर 2 क्वेश्चन सही होते तो शायद सूरत तक मिल जाता। इलाहाबाद बहुत अच्छा है, नहीं अभी जो मिला NIT इलाहाबाद वो भी बहुत अच्छा है। और चिराग देखो क्या होता है, अब आपने खुद देखिए, आपने लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लासरूम कहीं प्रोग्राम ज्वाइन किया था और उसके बाद आपने जब इम्पिटस ज्वाइन किया तो कई बच्चे ऐसा बोलते भी और आपने भी फील किया होगा कि इम्पिटस में आपको ऑनलाइन में भी वो चीज मिल गई जो शायद कई बार ऑफलाइन क्लासेस में भी लोगों को नहीं मिल पाती है, तो वो भी आपके लिए अपना आप में एक वो था, वो एक एक्सपीरियंस होगा मुझे लगता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और लगता है सर हम लोग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, अच्छे से पढ़ते हैं, टॉपिक का रहता है कि हाँ ये टॉपिक तुमसे समझ आया है क्या है ये, बस वो नहीं कि 10 क्वेश्चन कर लिए एग्जाम में नंबर आ जाएंगे कदम कदम, अच्छे से पढ़ने के बाद लगता है कि ठीक है ना हुआ देखा जाएगा, तो पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और लगता है कि टॉपिक हमने 12th में भी इतने अच्छे से नहीं पढ़े थे जितने अच्छे से अब पढ़ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस सर अच्छा ही था वो वाला, तो उसकी कोचिंग स्टाइल आपकी वजह से एक फिर रैंक 120 आई है, देखो ये जो आपने बात बोली ना बहुत अच्छी बात बोली, और मेरा हमेशा आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ नंबरों की लड़ाई नहीं, रैंक की लड़ाई नहीं, नॉलेज की लड़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई हमारी इसलिए होना चाहिए कि हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं और जब नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो रैंक ऊपर नीचे हो भी जाए फर्क नहीं पड़ता, पर जो हम गेन करते हैं वो काफी समय तक काम आती चीजें। ये तो एग्जाम के लिए इतना कुछ हो नहीं था, जो पढ़ा हुआ है बस वही था, अगर रिवाइज का टाइम मिलता तो वो भी ठीक है, मतलब पहले इतने अच्छे से पढ़ा कि रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो चिराग आप उन सभी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि इस साल बाई चांस जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई है और ड्रॉप को लेके कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए भी और ओवरऑल प्रिपरेशन को लेके भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? स्टूडेंट्स कोई भी जूनियर है ड्रॉप लेता है तो ट्राई टू गिव 100%, क्योंकि एट द एंड 2-3 क्वेश्चंस की वजह से आपका एडमिशन होते होते भी रह सकता है, और हम लोगों से सजेशन इतना डजंट मैटर कि हम सीनियर्स हैं, हम लोगों ने वही बात मानी जो सर ने कहा था, तो आप हमारे मुंह से वही सुनना चाहते हो, सर ऑलरेडी हर क्लास में कहते हैं कि एनालिसिस करो क्वेश्चंस को देखो, हमने भी वही किया था और शायद और अच्छे से किया होता और बेनिफिट मिलता, इसलिए सजेस्ट करेंगे कि एनालिसिस ढंग से करो, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता उस पर ज्यादा फोकस दो, इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ नहीं वो आंसर याद कर ले क्या होगा, कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं जिनके याद करने पड़ेंगे, टेस्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए अगर पेपर भी बहुत अलग आया था लास्ट ईयर से तो बहुतों की दिक्कत हुई थी 2-4 क्वेश्चन की वजह से, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो तब भी बात करो। वेरी गुड चिराग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब आप ऐसे ही आगे बढ़ो, खूब खुश रहो, इलाहाबाद में भी अच्छी परफॉर्मेंस दो और ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।